स्टूडेंट्स, इस सीरीज के पार्ट वन में हमने प्रोटोजोआ चैप्टर से रिलेटेड फिलअप्स को किया था और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू करने जा रहे हैं, ओके? और ये प्रोटोजोआ सीरीज का पार्ट टू है, ओके? इस सीरीज में आप जितने भी क्वेश्चंस को देखोगे ये सारे प्रीवियस ईयर्स के कंपाइलेशन है और आप इसे जरूर याद करें। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजोलॉजी। द साइंटिफिक नेम फॉर सैंड फ्लाई इज। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर्स बोलूंगी जो करेक्ट आंसर होगा, ओके? एंड द करेक्ट आंसर इज फेलोबोटमस आर्जेंटिपस। नेक्स्ट इज द वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस इज। करेक्ट आंसर इज टेसी फ्लाई, ओके? नेक्स्ट, इंजेशन इन पैरामीशियम इज। आंसर इज 1, होलोजोइक। Next, the phenomenon of cyclosis in paramecium is concerned with. Answer is digestion. E. histolytica differs from amoeba in absence of. This contractile vacuole. The discharge canals of contractile vacuoles in paramecium open. Students, यहाँ पे terms को समझना बहुत जरूरी है. Oral means क्या होता है? मुंह वाले भाग में. Aboral means क्या होता है? पीठ वाले भाग. Answer is 3, on aboral surface, okay? Next question is, the sleeper animalcule is, correct answer is paramecium, that is number 2, okay? Paramecium. Distinct dimorphism is shown during life cycle in. Answer is both. Okay, number 3, both. The distribution of cilia in paramecium is. Answer is 3rd number, holotrichus, okay? Bioluminescent noctiluca belongs to. Correct answer is number 2, mastigophora. Next question is, intermediate host is absent in case of. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। द करेक्ट आंसर इज 3rd, इंटमीबा हिस्टोलाइटिका, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ ई हिस्टोलाइटिका इज। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर नंबर 3rd, माइन्यूटा फॉर्म, ओके? माइन्यूटा फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिकुलोपोडिया इन एलिफीडियम आर कनेक्टेड विथ। करेक्ट आंसर इज नंबर 3rd, दैट इज बोथ, ओके? Next question is, amoebic dysentery is caused by. Correct answer is answer number 3rd, E. histolytica, okay? मूवमेंट इन पैरामीशियम इज ड्यू टू। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप याद कर लेना, ओके? करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 1, सीलिया ऑक्सीलेटिंग लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है? घड़ी में होती है, ठीक है? तो पैरामीशियम में जो मौजूद होती है सीलिया, वो किस तरह का मूवमेंट करती है? पेंडुलम की तरह, ओके? पेंडुलम लाइक मूवमेंट, अंडरस्टूड?
लेस्मानिया डोनोवानी इज एंडेमिक इन? स्टूडेंट्स, एंडेमिक मीन्स क्या होता है? एंडेमिक मीन्स होती है ऐसी बीमारी जो स्थानीय हो, जो एक पर्टिकुलर एरिया में तेज़ी से फैल रही हो। और पैंडेमिक, जो आजकल बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ हो रहा है, पैंडेमिक, पैंडेमिक मीन्स क्या होता है? जो पूरे विश्व में तेज़ी से फैल रहा हो, जैसे कि कोरोना वायरस। ओके, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2, बिहार, उड़ीसा, मद्रास एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज स्टेजेस इन ई हिस्टोलाइटिका इज इन्फेक्टिव? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आंसर इज नंबर 2, सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक मीन्स क्या होता है? सिस्ट वाला स्टेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुडोपोडिया एंड पॉलिस्ट्रोमेला क्रेस्पा इज? आंसर इज 2, थ्रेड लाइक ब्रांचिंग एंड एस्टोनिशिंग टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटमीबा हिस्टोलाइटिका इज मोर कॉमन इन? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The correct answer is answer number 3, tropical and subtropics. Okay, next question is incubation period in E. histolytica is generally? Answer is 2 to 4 weeks. Okay, which of the following belongs to phylum protozoan? स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। एल्फिडियम को ही हम लोग पॉलिस्ट्रोमेला के भी नेम से जानते हैं। ओके, सो आंसर विल बी आंसर नंबर 3, बोथ। ओके, जितने भी स्टूडेंट्स TMBU एंड मुंगेर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो इस कोर्स को इनरोल करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8340336009। ठीक है, और इस पूरी एग्जाम स्पेशल बैच की फी स्ट्रक्चर है 1999। ओके,